الحمد لله والمنة والصلاة والسلام على القاتمين ذي البينة والجنة وعلى آلهما وأصحابهما الذين هم فازوا بالنفس المطمئنة أما بعد معزز حاضرین, नवी हिजरी के वाकयात जो मैंने आपके सामने बयान करना शुरू किया है उसमें से एक अहम इला इजहार तखीर का वाकया आपके सामने पेश किया. उसके बाद ये एक और अहम वाकया गज़वे तबूक का है, जिसमें अगरचे के हम इसे गज़वे तबूक कहते हैं इस एतबार से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस इसमें शिरकत फरमाए हैं, लेकिन वाकया यह है कि इस महाज पर कोई तलवार खींचने की नौबत नहीं आई, कोई जंग नहीं हुई, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बगैर जंग के ही वो फतेह अता फरमा दी के जो बहुत जरूरी थी. बात यह थी कि 8वीं हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह के रसूल ने जब अपना पयाम अतराफ व अकनाफ के जी असर बादशाह और रोसा को भेजा तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में उस पर रिएक्ट किया, लेकिन लेवांट का जो एरिया है जिसको हम आज फलस्तीन और शाम कहते हैं, ये अरब क्रिश्चियन लोगों से आबाद इलाका था, रोमन बेजेंटाइन एम्पायर का एक बड़ा मजबूत हिस्सा था, ईसाइयत वहां पर आम थी. अल्लाह के रसूल ने जब पैगाम भिजवाया तो वो पैगाम दमिश्क में हारिस गस्सानी जो उस वक्त उस सारे इलाके का सरबरा अरबों की तरफ से हरतल जो जिसको हम हरतल कहते हैं लेकिन अंग्रेजी में हिराक्लियस कहते हैं, रोम का जो बादशाह था तो उसका जो नुमाइंदा यहाँ पर था वो हारिस गस्सानी था, उस तक वो पैगाम पहुँचाया गया और उसने वो पैगाम जो है अपने बादशाह हरक्यूलिस तक पहुंचवाया जबकि वो फलस्तीन में मौजूद था उस वक्त. इसके अलावा सरहदी इलाकों में होता यह था कि कबीलों का जो सिस्टम है उसमें एक सेंट्रल पावर भी होता था, उसके अलावा कई छोटे बड़े ऑटोनोमस रीजन्स थे जहां पे कबीलों का सिस्टम था और हर कबीला अपने इलाके में असर रखता था. तो गस्सानी कबीले की तरफ से जो उनका असल में सरहदी इलाकों का सरदार था और जो खुद भी डायरेक्टली हेरक्यूलिस के अंडर काम करता था, वो डायरेक्ट उसको रिपोर्ट करता था, उसका नाम था शुराहबिल. वो बड़ा कट्टर किस्म का ईसाई था और इस्लाम बहैसियत दीन जब उसके सामने पेश किया गया तो उसने उस पर बड़े ही गलत अंदाज में तासुर दिया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कासिद को रवाना फरमाया था उनका नाम था हजरत हारिस बिन उमैर असदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उस बदबख्त ने उनको शहीद कर दिया. इट वॉज एन एक्ट ऑफ अल्टीमेट प्रोवोकेशन. कासिद को दुनिया की कोई कौम कत्ल नहीं करती, लेकिन उसने अपने हसद में अल्लाह के रसूल के भेजे हुए कासिद को शहीद कर दिया और अल्लाह के रसूल ने इस बात का फैसला किया कि ये तो फिर ये मुसलमानों की जो है अब इस वक्त आन पर थी कि हमारे भेजे हुए नुमाइंदे को जो है कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो उससे इंतकाम लाजिम था. मैंने आपके सामने 8वीं हिजरी के वाकयात के ज़ैल में ये भी सुनाया था, गज़वा मूता जब पेश आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद इब्ने हारिस को उसका लश्कर का सिपह सालार बनाकर फिर उनके बाद में जो है हजरत अब्दुल्ला अंसारी और फिर उनके बाद में हजरत जाफर तैयार जो हजरत अली के भाई थे, इन तीनों को बिल तरतीब जो है सरदार बनाकर सरबराह बनाकर फौज का
मुकर्रर करके रवाना फरमाया। लेकिन 3000 आदमी के मुकाबले में 1.5-2 लाख की फौज जब आके खड़ी रह जाती है, एक का मुकाबला 10 से हो, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला हो जाता है। बहरहाल हजरत जैद इब्ने हारिस भी उसी महाज में शहीद हुए, हजरत अब्दुल्ला भी उसी में शहीद हुए, और हजरत जाफर तैयार भी उसी महाज पर शहीद हुए, जिसका इंतकाम लेना बहैसियत कौम मुसलमानों पर लाजिम था। यह जज्बा तो था, बहैसियत कौम मुसलमानों के लिए यह लाजिम था कि उसका इंतकाम लेते। लेकिन अभी दाखिली हालात ऐसे थे कि इंतकाम लेना जो है और उसके ताल्लुक से सोचना अमलन अभी मुमकिन नहीं था। लेकिन होता यह है कि देखिए, एक आदमी ने जुल्म किया और एक आदमी पर जुल्म हुआ। आप इस बात को याद रखिए कि मजलूम हमेशा जाकर सुकून से सो सकता है, अगर उसमें जज्बे इंतकाम नहीं है, है भी तो उसको किसी तरह सुकून हासिल हो जाता है। लेकिन उसके बरखिलाफ जिसने जुल्म किया है, वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी संदेशे में जिंदगी गुजारता है कि कहीं वो बदला लेने के लिए, खिसास लेने के लिए कहीं हमला ना कर दे। इस इनसिक्योरिटी के साथ उसको जिंदगी गुजारना पड़ती है। कोई किसी को मार दिया, जो मरने वाला तो मर गया, वो सुकून में होगा। अब ये और बात है कि उसके मुतालिकीन और लवाइकीन अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ होंगे, वो अपनी जिंदगी जिएंगे, इसके साथ साथ इंतकाम का जज्बा रखेंगे, वसायल मुयसर हो तो इंतकाम भी लेंगे, नहीं लेंगे ये जहली बात, मगर उनकी जिंदगी रुक नहीं जाती है, उनका सुकून खत्म नहीं होता है। लेकिन उसके बरखिलाफ जालिम का सुकून खत्म हो जाता है इस संदेशे के साथ के कहीं वो लोग आकर हमला ना कर दे। अब उसका जहन इस बात में लगा हुआ था कि कहीं यहां से मुसलमान आएंगे और हमला कर देंगे, तो वो उस इलाके के जो उसके असर में जो सरदार थे मुख्तलिफ कबाइल के, उनको साथ लेकर वो मुसलसल अपने बादशाह को वरगलाता रहता और खतूत लिखता रहता, ये कहता रहता कि अरब तैयारी कर रहे हैं, हम पर हमला करने वाले हैं, हम पे हमला करने वाले हैं। उधर हिराकिल्स भी परेशान कि भाई मेरी रियासत में अगर हमला कर देते हैं तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो मेरी रियासत कैसे बाकी रहेगी। हरकल जो था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर था। उसने जो उसका बयान है, अल्लाह के रसूल की दावत जब उसको पहुंची और अबू सुफियान से जब उसका मुकालमा हुआ, मैंने बड़ी तफसील से आप के सामने अर्ज किया है, वो गुज़िश्ता आप लेक्चर्स में देखेंगे तो आपको उसकी सारी तफसील मिल जाएगी। तो वो तो मुतासिर था, लेकिन ये जो मुनाफिक, ये जो अरब थे यहाँ के ईसाई अरब, ये उसको मुसलसल वरगलाते रहे कि भाई वो मुसलमान हमला करने वाले और मुनासिब वक्त दे के हमको हमला कर देना चाहिए। एक तरफ उधर उसको भड़काते रहते और दूसरी तरफ हिजाज में, जहां पर मुसलमानों की हुकूमत है, इस इलाके में अपने जासूसों के जरिए से, अपने कारिंदों के जरिए से ये बात को आम करते रहते और लोगों तक पहुंचाते रहते कि अब हमला करने वाले हैं। हरकल अपनी फौजों के साथ आ चुका है और हम यहां से 1.5-2 लाख की फौज लेकर हमला करने वाले हैं। अब यह खबर मदीने तक आती रहती और उस जमाने में मामला यह था के शाम से बिलखसूस दमिश्क वगैरह के इलाके से मदीने मुनव्वरा को जैतून और उसके तेल की तिजारत करने के लिए ताजिर आया करते थे। अब वो ताजिर आते और यहां पर मदीने में इस बात की इत्तला देते कि वो लोग आ रहे हैं, बड़ा लश्कर जमा है। इसी तरह का मामला जो है 9वीं हिजरी में पेश आया और एक वफ्त आया जिसने आकर इस बात की इत्तला दी कि वो तो बड़े कसीर लश्कर के साथ तैयार है आप पर हमला करने के लिए। बहुत बड़े लश्कर के, इस हद तक के एक एक साल की जो है सिपाहियों को तनख्वाह भी दे दी गई है। वो तो आकर यहां पर पड़ाव डालकर बैठ जाएंगे मदीने का मुआसरा करके। अब हालात जिस ढंग से बदल रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लाजिम था कि कुछ तदबीर करते। आपने ऐलान फरमाया कि नहीं, हम आगे बढ़ के रोकेंगे, बजाय अपने शहर में जो
आने देकर यहाँ पर जंग लड़ के सब तबाही यहाँ पर होने के बजाय हम आगे बढ़ के मुकाबला करेंगे। तो आपने जिहाद का ऐलान किया और कहा कि कोई किसी को इस्तेसना नहीं है इस जिहाद से, बूढ़ा जवान सब इसमें हिस्सा लेंगे। और अल्लाह के रसूल ने जिस तरह फरमाया था कि मूसा की उम्मत जैसे जादूगरों से परेशान थी, मेरी उम्मत मुनाफिकों से परेशान रहेगी। अब आपके साथ मसला यह था कि मदीने मुनव्वरा में मुनाफिक आपको घेरे हुए थे, वो मुसलसल लगे हुए थे। अब जब आपने ये ऐलान किया तो मुनाफिकों ने मुसलमानों से यह कहना शुरू किया कि वो इंतहाई शदीद गर्मी का मौसम था, बे इंतहा शदीद गर्मी का मौसम था, और यह वो वक्त था जब साल भर काश्तकारी करने के बाद खजूर की फसल पककर झाड़ों से खजूर उतारने का वक्त आता है। साल भर की मेहनत का फ्रूट है, एनुअल इनकम है मदीने की जो है पेजेंट्स जो है उनकी साल भर की मेहनत का नतीजा हासिल होना है अब उनको। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान कर दिया। और दूसरी तरफ ये मुनाफिक जो है मुसलमानों को ये कहकर जो है परेशान करते रहे कि भाई फसल उतारनी है, चले जाओगे तो ये तो सारी फसल तबाह हो जाएगी, और गर्मी इतनी शदीद है कि इतनी गर्मी में घर से बाहर मत निकलो। हालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डिफिकल्ट बनाते चले गए मुनाफिक। अल्लाह तबारक व तआला ने गज़वे तबूक के बाब में 11 रुकू नाजिल किए, 90 आयात पर मुश्तमिल 11 रुकू जो है अल्लाह तबारक व तआला ने गज़वे तबूक के हालात को बयान करते हुए बयान फरमाए। तो बहरहाल जो है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता। अच्छा, यहां पर एक और बात मैं कह दूं, पहले यह आयत सुना देता हूं आपको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम, ऐ ईमान वालो तुमको क्या हो गया, इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फी सबीलिल्लाह अस्साक़ल्तुम, तो तुम गिरे पड़े हो। जब तुमसे अल्लाह तबारक व ताला की राह में निकलने को कहा जाए तो तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, है ईमान वालों तुमको क्या हो गया। अब आयत देखिए, आयत की नौयत देखिए, और उसमें जो अल्फाज जो है अल्लाह तबारक व ताला ने जिस मिजाज के साथ इस्तेमाल किए हैं वो देखिए, कितनी सख्त बात है। अल्लाह तबारक व ताला सवाल कर रहा है ईमान वालों से कि ईमान वालों तुमको क्या हो गया है, आखिर जब तुमसे ये कहा जाए कि अल्लाह की राह में तुम निकल पड़ो तो तुम तो जमीन पर गिरे पड़े हो। फिर अल्लाह सवाल करता है, अरज़ीतुम बिल हयाती दुनिया मिन अल आखिरा, क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए। फमा मताउल हयातु दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलीला, याद रखो कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की माल और मता बिल्कुल खलील है, छोटी है, उसकी कोई वक्त ही नहीं है, कोई हकीकत ही नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला यहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब कर रहा है। अब इन आयात को अक्सर मुफस्सिरीन ने जब बयान किया तो वहां पर इस बात से तावील करने की कोशिश यह की कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहीं मुनाफिकीन को भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातिब किया है, इस एतबार से कि वो भी तो कलमा पढ़े हुए थे, उनके दिल में जो था वो था, उनके दिल में जो था वो था, लेकिन कलमा चूंकि पढ़े हुए हैं इस एतबार से उनको भी हम मोमिन कहेंगे। हैं बोला, एज अ स्टूडेंट ऑफ रिलीजन मुनाफिक भी है मोमिन भी है, दोनों कैसा एक साथ है। या तो मुनाफिक होगा या तो मोमिन होगा, दोनों बातें एक तरह एक कैसे हो सकती हैं। जबकि सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला
منافقین کی جو منافق کی جو صفت ہے, اس کی جو خصوصیت ہے, اس کو انتہائی واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. لوگوں میں سے, ان لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ یوم آخر پر ایمان لائے ہیں, یہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ ان کی صفت کو یوں بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ اصل میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکا دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکا دے رہے ہیں, لیکن یہ خود کو دھوکا دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, لیکن اس کو ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فی قلوبهم مرض, ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. فزادهم الله مرضا, اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. ولهم عذاب الیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کہ یہ جھوٹے ہیں. ایمان کے تعلق سے یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا آگے اب اللہ ان کی صفات کو یوں بیان کرتا ہے, وَإِذَا خِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم فساد مت برپا کرو, اب یہ فساد ہے, حضور کی ازواج کے تعلق سے باتیں کرنا, مسلمانوں کو ورغ لانا, یہ فساد ہے, فتنہ برپا کرنا ہے, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا, تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا خِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے یہ کہا جائے کہ فساد مت برپا کرو, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خبردار, یہی ہے مفسدین, فساد برپا کرنے والے, لیکن ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ یہ جو ہے فساد برپا کر رہے ہیں اور یہی مفسد ہیں. وَإِذَا خِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جس طرح کے لوگ ایمان لائے ہیں, جب ان سے کہا جائے کہ تم بھی ایمان لاؤ, تو کہتے ہیں قَالُوا انؤمنو کما آمن السفہا. جب ان سے ایمان لانے کو کہا جاتا ہے لوگوں کی طرح, تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں. قرآن ان کی صفات بیان کر رہا ہے منافقوں کی. الا انہم ہم السفہا ولکن لا یعلمون, خبردار یہی لوگ ہیں بیوقوف, لیکن ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ بیوقوف ہے, اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں خود کو, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. اچھا ایک اور اچھی آگے ان کی مخصوص صفت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. کعبے کو جا کے حج بھی کیا اور گنگا میں اشنان بھی, خوش رہے رام بھی راضی رہے رحمان بھی. جب ان سے یہ کہا ہے, جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ خال وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستهزئون, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو تمہارے ساتھ ہے. ارے باپ رے, یہ کیسے شیاطین ہیں, ایمان والوں سے مل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے, اور اپنے شیاطین سے مل کے یہ کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. ادھر شیطان کو بھی دھوکے میں رکھے ہیں, ادھر ایمان والوں کو بھی دھوکے میں رکھے ہیں. اللہ یستعزی بہم ویمدہم
फी तुगयानिहिम यअमहून, अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, अल्लाह ढील लेता है, देखता है कहां तक जाते हैं, तो अल्लाह इनको इनकी सरकशी में बढ़ाता है और वो अंधे हो जाते हैं अपनी सरकशी के अंदर। बहरहाल इसकी सारी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन की ये तफसील बयान की है, लेकिन यहां पर अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल लजीना आमनु कहकर मुखातिब कर रहा है। तो मेरा यहां पर यह ख्याल है कि यहां पर इस जुमरे में आप महज इस वजह से कि कुछ मुसलमान इन मुनाफिकीन के असर में आ गए थे और अल्लाह को उनकी तंबी करने की नौबत आ गई, महज इस वजह से कि उनकी तंबी हुई है मुसलमानों की, आप ये नहीं कह सकते कि ये मुतलक मुनाफिकीन के लिए आई हुई है बात। अगरचे कि इसका हुक्म मुनाफिकीन पर भी लगता है, लेकिन यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मुसलमानों को इसमें इंक्लूड कर लिया है। हर एक का ईमान एक दर्जे का नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया कि अपनी अपनी जो है इस्तेदात के मुताबिक जो 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 ला सकते हो लाओ, जंग के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये होता है कि मैदान में उतर के लड़ने से भी बढ़ के एक सरबराह के वास्ते, एक सरबराह के लिए उसका सबसे मुश्किल मरहला जो होता है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 का लश्कर लेकर गए थे। 30,000 आदमी को सुबह में नाश्ता कराओ, दोपहर में खाना खिलाओ, रात का खाना खिलाओ, उनके रहने का इंतजाम, उनके सोने का इंतजाम, उनके वॉशरूम को जाने का इंतजाम, ये सारी चीजें इंसान के साथ लगी हुई, और ये सब काम के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो सिर्फ जात से आ जाना काफी नहीं था, यहां तो माल भी खर्च करना था। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया जिसकी जो इस्तेदात है सब लेकर आओ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने यहां पर इस बात का फैसला किया कि आज मुझे मौका मिला है, मैं अबू बकर पर सिबकत लेकर जाऊंगा। वो बहुत सारा माल लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उधर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला भी जो है माल लेकर, अपना थोड़ा सा माल, उनके मुकाबले में कम था जो भी था, वो तो अल्लाह के रसूल थे, वो जानते थे किसके दिल में क्या बात चल रही है। उन्होंने सवाल ये नहीं किया कि उमर क्या लेके आए हो। देखिए आप हिकमत सवाल करने में कैसी है। उन्होंने सवाल ये नहीं किया कि उमर क्या लेके आए हो, उन्होंने अल्लाह के रसूल ने सवाल ये किया कि उमर अपने बीवी बच्चों अपने घर वालों के लिए पीछे क्या छोड़कर आए हो। वो उमर समझ गए ये सवाल जब आया हो गया ये मौका भी जो है अबू बकर पे सिबकत ले जाने का मैं खो दिया। हजरत उमर ने फरमाया आधा लाया हूं आधा छोड़ के आया हूं, आधा लाया हूं और आधा छोड़ के आया हूं। हजरत अबू बकर से आपने सवाल किया, अबू बकर तुम क्या लाए, क्या छोड़कर आए हो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने पीछे अपने घर वालों के लिए। हजरत अबू बकर ने कहा मैं अल्लाह उसके रसूल को अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़कर आया हूं। कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने घर में, चौथा सब लेकर आ गए, यहां तक कि अपने आंग पे पहनने के जो कपड़े थे वो कपड़े भी लेकर आया और जो है अल्लाह के रसूल के कदमों में डाल दिए, और टाट का लिबास पहनकर बंद करने के लिए लिबास को कांटे लगाए थे आपने। इस बात पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर खुशखबरी हो तुम्हें, अल्लाह तुमसे यह सवाल कर रहा है। देखिए क्या एजाज है, क्या मकाम है, क्या एजाज है। लोग इस बात की कोशिश करते हैं अपने माल से जान से कुर्बानियां देके कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, लेकिन एक नियत है अबू बकर की जिसने उनको यह शर्फ बख्शा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर तुमसे अल्लाह यह सवाल कर रहा है कि क्या अबू बकर तू अल्लाह से राजी है। अरे बाप रे बाप, अल्लाहु अकबर।
अबू बकर क्या तू अपने रब से राजी है? खल्क खालिक की रजा के लिए काम करे ये तो समझ में आने वाला है, लेकिन खालिक खल्क से ये पूछे कि क्या तू मुझसे राजी है? क्या नहीं दिया अल्लाह ने, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, लेकिन खुलूस नीयत वो इम्तियाज था जिसने अबू बकर को ये शर्फ बख्शा कि अल्लाह ने अबू बकर से ये पूछा कि क्या तू मुझसे राजी है। दिल के हाल अल्लाह पर रोशन है, अल्लाह नियतों को देखने वाला, नियतों को जानने वाला है। कितना खर्चे हो अहमियत इसकी नहीं है, तुम्हारे दिल में क्या है उसकी अहमियत, अल्लाह के पास उसकी कबूलियत। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में तुम्हारी नियतों की कबूलियत है। तो गर्ज बोलना यह है कि ईमान सबका एक दर्जे में नहीं है, किसी का ईमान कहीं है तो किसी का ईमान कहीं है। कोई मुतलक मुनाफिक है, कोई ऐसा है जिसने कलमा पढ़ा है इखलास के साथ लेकिन अभी उसके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ, किसी के दिल में ईमान दाखिल हुआ लेकिन किसी कदर कमजोर है। अय्युहल्लज़ीना आमनू जो कहा है इसमें तखातुब अल्लाह तबारक व ताला सारे मोमिन है, ज़ैल में मुनाफिकीन भी शामिल है क्योंकि वो दावेदार है ईमान के। असल तखातुब जो है वो ईमान वालों से है और उसकी नजीर यहां पर मौजूद है कि काब बिन मालिक पीछे रह गए, साहबी रसूल है, इनके अलावा भी दूसरे कई लोग पीछे रह गए जिसमें जी असर तीन लोगों का तस्करा तो मौजूद है कि काब बिन मालिक और उनके साथ ज़ईफुल उमर और दो जो है असाब ज़ईफुल उमर थे वो पीछे रह गए, नहीं है उनका तस्करा आगे करूंगा मैं, आगे उनके ताल्लुक से भी अर्ज करूंगा आपसे। तो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा खीला लकुम इन्फिरू फी सबीलिल्लाहि साक़लतुम इलल अर्ज़, जब तुमसे ये कहा जाए कि अल्लाह की राह में निकलो तो तुम तो जमीन पर पड़े हुए हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में क्या तुम दुनिया की हयात से राजी हो गए? फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरती इल्ला खलीला, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मता बिल्कुल छोटी सी चीज है। इल्ला तनफिरू युअद्दिबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम नहीं निकलते हो इल्ला तनफिरू, अब अगर तुम नहीं निकलते हो तो याद रखो कि तुम्हारे लिए सख्त अजाब है। وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تُزَرُّوهُ شَيْئًا, اور اللہ تم کو ایک دوسری قوم سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تخاطب اللہ نے منافقین سے محض کیا ہے، یہاں تو مومنوں سے مخاطب ہو کے اللہ یہ کہہ رہا ہے تم جو محمد کی قوم بنے ہوئے ہو اگر اب تم اپنے گھروں سے نہیں نکلتے ہو तो याद रखो अल्लाह तुमको किसी और कौम से बदल देगा। इस तरह की आयत हम देख चुके हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन, हे ईमान वालों अगर तुम में से कोई दीन से फिर जाए तो अल्लाह अनकरीब एक नई कौम को लाएगा। ये तो अल्लाह मोमिनों से मुसलसल तखातुब कर रहा है। तो यहां पर यह बहस नहीं है कि इसमें तखातुब में मोमिन या ईमान वाले या मुसलमान एग्जेम्प्ट है, सिर्फ मुनाफिकीन से गुफ्तगु हो रही है, यह बात ऐसी नहीं है, बल्कि यहां पे ईमान वाले और मुनाफिकीन सबके सब वो जो दावेदारान इस्लाम है वो सबके सब इसमें शामिल है। अल्लाह ये कह रहा है कि अब अगर तुम नहीं निकलते हो तो हम तुमको किसी और कौम से बदल देंगे। फिर अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे खातिर है, वो जो चाहे कर सकता है, तो कुन फयकून का मालिक है। तुमको हटा के किसी और को ला देना अपने रसूल की मदद के लिए उसके वास्ते क्या बड़ी बात है। इल्ला तंसुरूहु फकद नसरल्लाहु इज अखरजहु लदीना कफरू सानियत नैनी इज हुमा फिल गारी,
अगर तुम उसकी मदद नहीं करते हो, अल्लाह बोल रहा है, अगर तुम मोहम्मद की मदद नहीं करते हो तो अल्लाह उसकी मदद कर सकता है, अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है। देखिए आप क्या बात है, अल्लाह ये कह रहा है इल्ला तंसुरुहु फकद नसरल्लाहु, अगर तुम उसकी मदद नहीं करते हो तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। इज अखरजहुल लजीना कफरू, जब काफर उसको उसके घर से निकाल दिए थे, जिस तरह मक्के से आपको जाना पड़ा अपना घर छोड़ के, उसका तस्किरा अल्लाह कर रहा है। ये कह रहा है कि जब काफरों ने उनको निकाल दिया था, सानियस नहीं उन दोनों को, यानी अबू बकर और अल्लाह के रसूल दोनों का जिक्र यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला तस्निया के सेगे के साथ कर रहा है कि जब उन दोनों को जो है काफरों ने निकाल दिया था, इस हुमा फिल गारी इस यकूलु लिसाहिबी ला तहजन, जब काफरों ने उनको निकाल दिया था और गार में उन्होंने अपने साथी यानी अबू बकर जब परेशान हुए कि भाई आप बिल्कुल खरीब आ गए, वो झांकेंगे तो हम दिख जाएंगे, कैसे होगा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम डरो मत। तो अल्लाह उसका तस्करा करके कह रहा है यकूलु लिसाहिबी ला तहजन, जब उन्होंने ये कहा अपने साथी के साथ कि तुम डरो मत, इन्नल्लाहा माना, अल्लाह हमारे साथ है। रसूलल्लाह ने हजरत अबू बकर से फरमाया तुमको डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। फअंजलल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिल लम तरौहा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तरफ से उनको सुकून अता फरमाया और उनकी मदद के लिए ऐसे लश्कर भेजे जिसको देख नहीं सकते थे, जो देखे नहीं जा सकते थे। वह जाला कलिमत लजीना कफरु सुफला, और कुफार के जो है कलिमे को अल्लाह ने जेर किया, वह कलिमत हुआ, और अल्लाह के कलमे को अल्लाह ने बुलंद किया। नतीजा यही हुआ, मुशरिकीन मक्का आज इस्लाम के परचम के नीचे हैं। वो जो नारे लगा रहे थे वो कहां गए, वो सब जेर हो गए, और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का कलमा बुलंद हो गया। मेरे वालिदे बुजुर्ग वाले अपनी कैफियत में रहने वाले बुजुर्ग थे, तो हमारा बचपन में शुगल था जब उनके साथ बाहर निकलते सौदा लाने के लिए, तो होता ये कि रास्ते पे हम छोटे बच्चे 8 साल 9 साल 7 साल उम्र थी हमारी, चलते 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 अक्सर हर घर के सामने चबूतरा बना हुआ होता था। पहले जमाने में एक दो सीढ़ी चढ़ के घर में दाखिल होते थे, तो अब साइड में चलते चलते हम चबूतरों पे चढ़ते जाते, उनका हाथ पकड़ के चलते। अब चूंकि वो रोड के साइड रहते और हम दीवारों की साइड घरों की तरफ रहते, तो हम जो है वो चबूतरों पे चढ़ते उतरते कूदते भागते बच्चे। तो वालिद साहब हमारे सिखाए थे कि जब भी ऊंचाई पर खड़े हो तो ये ऐलान लगाओ, हक का झंडा ऊंचा हो बातिल झंडा नीचा हो। तो ये हमारा मामला था, हम जहां जाते किसी ऊंचाई पे हमारे वालिद हाथ पकड़ के यूं चढ़ा देते, हम उसकी ऊंचाई पे टीले पे या चबूतरे पे जो भी है उस पे खड़े हो जाते और वहां से ऐलान करते नारा लगाते, हक का झंडा ऊंचा हो बातिल झंडा नीचा हो। जब पढ़ा कुरान मजीद को तो ये मालूम हुआ कि ये ऐन कुरान का ऐलान है, अल्लाह ने अल्लाह के कलमे को बुलंद किया, और वो मुशरिकीन वो कुफार जिन्होंने मुसलमानों और इस्लाम पर जुल्म किया अल्लाह ने उसको जेर कर दिया और अल्लाह के कलमे को अल्लाह ने बुलंद किया। वल्लाहु अजीजुल हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इनफिरु खिफाफौ व सिखालौ व जाहदु बि अमवालिकुम व अंफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह क्या कह रहा है, इनफिरु निकलो, चलो अब निकलना है। इनफिरु खिफाफन व सिखालन, चाहे हल्के हल्के निकलो या भारी भारी निकलो। तो बड़े दिलचस्प अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, कुरान मजीद की आयात है, अल्लाह फरमा रहा है इनफिरु खिफाफन व सिखालन, चाहे हल्के हल्के निकलो या भारी भारी निकलो। अब आप इसकी ताबील कुछ भी कर ले, हल्के हल्के से मुराद बगैर माल के निकलो या माल के साथ निकलो।
मर्जी से निकलो या बगैर मर्जी के निकलो, हल्के दिल से निकलो या भारी दिल से निकलो, अब क्या तावील करना है करो, लेकिन निकलो। यह आसमानी है, यह टलने वाली नहीं है। इन फिरु खिफाफं व सिखालं व जाहदू व जाहिदू बि अमवालिकुम, अपने माल से जिहाद करो, व अनफुसिकुम, अपनी जान से जिहाद करो, फी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम अगर समझो तो यह बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम अपने माल की हिफाजत करते हुए घर में बैठ जाओ। दुनिया और उसके असबाब बड़ी छोटी सी चीज है आखिरत के मुकाबले में। तुम इसके लिए वो नुकसान मत उठाओ। अगर तुम समझो तो यह तुम्हारे लिए बड़ी चीज है। तुम अपने घर से निकलो। अब फिर अल्लाह फरमाता है, लव काना अरजन करीबा व सफरन खासिदन। अल्लाह तबाऊ का अल्लाह फरमा है, लव काना अरजन, अगर माले गनीमत करीबन करीब होता, ये मदीने के इधर बाहर यहां लड़ना है, यहां से गनीमत उठा के लाना है, वहां लड़ना है, वहां से माले गनीमत उठा के लाना है, वहां लड़ना है, वहां से माले गनीमत, अगर ऐसा होता तो अल्लाह फरमा रहा है क्या है, लव कान अरजन करीबन व सफरन, यानी सफर जो है और माले गनीमत इनके करीब होता, खास इधर लत तबाऊ का, अगर ऐसा होता तो ये तुम्हारे पीछे हो जाते। अगर खरीब से कुछ हासिल करना होता तो वलाकिन बाउदत अलैहिम शुक्का, लेकिन अल्लाह भी मजाक कर रहा है यहां पे, तंस के साथ अल्लाह मुखातिब करके ये बोला कि अगर खरीब जाना होता, यहां से कुछ करके ला लेने का मामला होता तो ये तुम्हारे पीछे हो जाते, लेकिन ये तो दूर का रास्ता मिल गया इनके लिए, अब कहां से आएंगे। देखिए अल्लाह भी कैसा टॉन्टिंग अंदाज में जो है तंस के साथ मुखातिब करके क्या फरमा रहा है, वसा यहलिफूना बिल्लाही लविस्तताना लखरजना माकुम। अल्लाह फरमा रहा है, वसा यहलिफूना बिल्लाही, ये अल्लाह की कसम खाएंगे, क्या करेंगे, अल्लाह की कसमें खाएंगे, लविस्तताना लखरजना माकुम, अल्लाह की कसमें खाकर यह कहेंगे कि अगर हमारी इस्तेदात में होता तो हम तुम्हारे साथ निकल जाते। अल्लाह मियां, अल्लाह अल्लाह खालिक है, मुतलक है, उसी ने इंसान को बनाया, इंसान की फितरत को, उससे ज्यादा कौन जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ये समझ के ये कह रहा है कि ऐसा होता तो ये तुम्हारे साथ हो जाते, अब चूंकि ये नहीं आ रहे हैं तो ये बाद में ये कहने वाले हैं अल्लाह की कसम खाकर कि हमारी इस्तेदात होती तो हम आ जाते। अल्लाह को मालूम है ये एक्सक्यूजेस करने वाले हैं, या रसूलल्लाह मेरे पेट में दर्द था, या रसूलल्लाह मेरे सिर में दर्द था, या रसूलल्लाह मेरी बीवी परेशान थी, या रसूलल्लाह मेरे घर में ये मामला था, या रसूलल्लाह ये हो गया था, या रसूलल्लाह वो हो गया था, किस्म किस्म के हिले, किस्म किस्म के बहाने बनाने वाले, वो भी कसमें खाकर अल्लाह की। युहलिकूना अनफुसहुम, वो अपने आप को हलाक कर रहे हैं, वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाजिबून, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये लोग झूठ कह रहे हैं, कसमें खाकर ये कहेंगे हमारी इस्तेदात होती तो हम जरूर आते, हमारे पर हो सकता तो जरूर आते या रसूल, लेकिन ये अपने आप को ये कहकर हलाक कर रहे हैं, ये कहकर ये अपने आप को हलाक कर रहे हैं। वो इस वजह से कि अल्लाह जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, जो तुम झूठ कह रहे हो उससे अल्लाह वाकिफ है, बाखबर है। और वाकई में ऐसा ही हुआ, काब बिन मालिक एक सहाबी रसूल थे, वो गजबे में शरीक नहीं हो सके। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजबे से वापस तशरीफ लाए तबूक से, तो वो खिदमत में आया, उनसे पूछा या रसूल्ला, अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा क्या बात है काब, तुम क्यों नहीं आए। अब उनके दिल में पहले से ही शर्मिंदगी थी, मैं शरीक नहीं हो सका। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा या रसूल्ला, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं बस नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम मेरी नजर के सामने से चले जाओ और तुम्हारा फैसला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है।
मैं अल्लाह का इंतजार करूंगा वो क्या हुक्म देता है, फिर मैं सुनाऊंगा क्या हुक्म है। और सख्ती इतनी की फैसले में कि कोई मुसलमान उनसे ताल्लुक नहीं रखेगा, यहां तक कि उनकी अपनी बीवियां भी अगर मुसलमान हैं तो उनसे ताल्लुक नहीं रखेंगी। बीवियों से को भी हुक्म था कि उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीन दिन गुजरे, रास्ते पर चल रहे हैं, कोई उनको जो है पूछ नहीं रहा है, कोई सलाम नहीं, कोई दुआ नहीं, कोई ताल्लुक है, कंप्लीट बायकॉट। यहां तक के शुराबील को जब मालूम हुआ कि इस तरह जो है काब बिन मालिक जियासर आदमी थे तो उनके साथ ये मामला हुआ, तो उसने खत लिखा। तो खासिक जब मदीना आया तो उसको क्या मालूम है वो कहां है काब बिन मालिक, किससे पूछेगा, मुसलमानों से पूछेगा। अच्छा मुसलमान भी है वो काब बिन मालिक है, वहां चले जाए वो उनका घर, ऐसा नहीं पता मुसलमान इशारे से वो है तो वो है। बहरहाल वो शुराबिल का जो है खत लाके काब बिन मालिक को उसका खासियत दिया, उसके अंदर जो है वो लिखता है कि हमको मालूम हुआ कि मोहम्मद ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, क्योंकि ये बायकॉट 40 दिन तक चला, 40 दिन तक ये सिलसिला चला। शुराबिल उसमें लिखता है कि हमको ये मालूम हुआ कि मोहम्मद ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे शाया निशान तुम्हारे साथ सुलूक करेंगे। वो काब बिन मालिक पहले ही दिल पर बोझ लेके जमीन पर फिर रहे थे बेचारे, वो खत यूं उठाया और तंदूर में डाल दिया, छत निकलो यहां से। तो इससे यह मालूम होता है कि इंसान जो है किसी मोमेंट में जब डिसीजन मेकिंग का मामला आता है तो ईमान की कैफियत भी मुसलसल नहीं होती। किसी लम्हे में इंसान का ईमान मजबूत हो तो वो सही फैसले करता है, और किसी लम्हे में किसी वजह से उसके ईमान की कैफियत कमजोर हो तो वो गलत फैसले भी करता है। अगर उनके दिल में कोई शर होता तो शुराबील की जो है बात को कबूल करके वो चले जाते। बात सिर्फ इतनी थी कि मोमेंट ऑफ डिसीजन जो था वो मोमेंट ऑफ डिसीजन उन्होंने उस मोमेंट में सही फैसला नहीं किया, उनसे गलती हो गई। लेकिन वो पछतावा रहे हैं इस वजह से कि वो जानते थे अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है। कुरान की आयत जिस तरह कह रही है वसा यखलिफूना बिल्लाही लविस्तताना लखरजना माकुम युहलिकूना अनफुसहुम वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून। अल्लाह ये कह रहा है कि ये कसमें खाकर ये कहेंगे कि हम अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हारे साथ चलते, लेकिन ये खुद को हलाक कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ये जानता है इनके दिल में क्या है, ये झूठ कह रहे हैं। और ये बात काब बिन मालिक भी जानते थे कि अल्लाह मेरे दिल के हाल से वाकिफ है, तो उन्होंने झूठ नहीं कहा। रसूल अल्लाह से कोई बहाना करते उधर करते, या रसूल्लाह कुछ ये बात थी वो बात थी, नहीं की सीधा सीधा, या रसूल्लाह मैं नहीं आया बस। 40 दिन ये सिलसिला चला, फजर की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे थे और फजर की नमाज के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि उन तीनों को माफी है, ये और इनके साथ और दो एक बुजुर्ग साहबी थे जो नहीं गए थे ग़ज़वे मुता, उनको माफी का ऐलान। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से जो है बयान किया कि वह बड़ी खुशी, यार रावी ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जब ये आयत जब ये हुक्म आया अल्लाह की तरफ से तो खिल उठा ऐसे जैसे कि बदर हो चौधरी के चांद की तरह खुशी से आपका चेहरा खिल गया कि अल्लाह की तरफ से मेरे सहाबी को अल्लाह की माफी मिल गई। सहाबा में खुशी की देगी आप कैफियत लहर। एक साहबी ने फैसला किया मैं सबसे पहले जाके उनको बताऊंगा, वो घोड़े पे सवार होके भागना चाहे। दूसरे साहबी ने यह इरादा किया घोड़े से तेज तो आवाज पहुंच सकती है, और सबको यह मालूम था कि जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है बायकॉट किया है उनसे चेहरा फेर लिया है। वो मस्जिद में आए भी तो अल्लाह के रसूल उन पर नजर पड़ी तो चेहरा फेर लेते थे।
तो फजर की नमाज अपने घर की छत पर पढ़ते थे, सबको ये बात मालूम थी। तो वो अपने छत पे चढ़े और छत पे चढ़ के वहां से आवाज लगाई, खुशखबरी हो काब। तो काब ये रिवायत करते हैं कि मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सुना, मेरे कान में सिर्फ खुशखबरी के लफ्ज पड़े और मैं दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के रसूल से मैं जब मिला तो अल्लाह के रसूल ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई। मगर साहबा की भी कैफियत देखिए आप, वो पलट के अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह ये माफी आपकी तरफ से है अल्लाह की तरफ से है? दिल में डर है, ईमान की कैफियत है। देखो एक गलत फैसला, इंसान है, गलती हो सकती है किसी से भी, डर इस बात का है उनको, अल्लाह के रसूल तो माफ कर दे रहे हैं, अल्लाह माफ करेगा नहीं करेगा इतनी बड़ी गलती। तो हुजूर से पूछ रहे हैं, या रसूलल्लाह ये माफी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, डर मत, अल्लाह की तरफ से है ये माफी। तो इस तरह उनका मामला। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अफल्लाहु अनका, अल्लाह तुम्हें माफ करे। ये अल्लाह आपके, अल्लाह अपने रसूल से मुखातिब होकर कह रहा है, अफल्लाहु अनका, अल्लाह तुम्हें माफ करे। लिमा अज़िनता लहुम हत्ता यतबयन लकल लज़ीना सदकु व तअलमल काज़िबीन, आपने इन्हें क्यों माफ किया? काब बिन मालिक की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल का मामला मुरव्वत का था। आप किसी की बात को मना नहीं फरमाते, इन्हें आया, या रसूलल्लाह मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं आ चाहूंगा। वो आया, मेरे पाँव में दर्द है, अच्छा भाई जा। आप कुछ बोले वो भी सही, वो कुछ बोले वो भी, सबकी बात कबूल कर लेते थे। आप अपनी तरफ से जोर जबरदस्ती मजबूर करना, ये आपका मिजाज नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल को ये कह रहा है कि ये जो तुम उनकी बात को कबूल करके उनको माफी दे रहे हो, छोड़ रहे हो, एक्सक्यूज उनका कबूल कर रहे हो, ये तुमने क्यों किया? तुम अपनी बात पर कायम रहते तो तुमको मालूम हो जाता था कि इसमें सच्चा कौन है और मुनाफिक कौन है। तुम्हारी बात के रहते हुए अगर ना आता तो जाहिर हो जाता। अल्लाह अपने रसूल से सवाल कर रहा है, इनको माफ, इनको जो है इजाजत क्यों दे रहे हो? ला यस्तअज़िनुकल लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम, जो ईमान वाले होते हैं वो आपसे इज़्ज़त नहीं करते, माज़रत ख्वाही नहीं करते, बल्कि जो ईमान वाले होते हैं वो तो निकलकर जिहाद करते हैं अपने माल से और अपनी जान से। अल्लाह अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है, जिसके दिलों में तकवा है अल्लाह उनको खूब जानता है। आप क्यों उनको इजाजत दे रहे हैं? अल्लाह जिस पे हुक्म नाजिल है अल्लाह का कि भाई सबको जाना ही जाना है। इन्नमा यस्तअज़िनुकल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वर्तावत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्दून, आपसे सिर्फ वो लोग रुखसत मांगते हैं जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल शक में पड़े हैं, सो वो अपने शक में भटक रहे हैं। देखिए आप, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आपसे वही लोग जो है इज़्न चाहते हैं या रुखसत चाहते हैं जो ईमान नहीं रखते कि अल्लाह और यौम आखिरत पर। वर ताबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, और उनके दिल जो है वो शक में पड़े हुए हैं और वो इसी में जो है भटक रहे हैं अपने शक में, है कि नहीं? वो अक्सर मसला ये है कि ये बात सिर्फ उन मुनाफिकीन की नहीं है, बात आज के मुसलमान की भी है। जब अल्लाह तबारक व ताला की का नाम लेकर या दीन के हवाले से किसी सख्त इकदाम की नौबत आती है, जब आपको ये कहा जाता है, तो यकीनन आज भी लोग इसी तजब्जुब का शिकार हैं। ये इंसान का इम्तिहान, उसके ईमान का इम्तिहान है कि जब वो फैसला करता है तो वो क्या चीज उसके मलहूज नजर रहती है,
دنیا اور حیات دنیا اگر اس کے پیش نظر ہے تو یقیناً اس کے دل میں ایمان پیوست نہیں ہوا, صرف اس کی زبان نے اقرار کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک منٹ کے لیے تذبذب نہیں کرتے, وہ کب عذر خواہی کرتے ہیں, گرتے پڑتے کسی حال اللہ کے حکم کی پابجائی کرتے. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ سے اسی زمن میں عرض کر دوں. کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے, اب مسئلہ یہ ہے کہ کلاس میں بس بچے رہتے تھے, کیا ہلو آتا آ کے ٹیچر کے کان میں بولتا, ٹیچر ان کو دیکھو انہوں باتیں کر رہے ہیں. پھر ایک رہتا وہ ٹیچرز پیٹ, ہلو آتا بازو سے آ کے پھر ٹیچر کو بولتا, ٹیچر ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے, آپ دیکھو بک منگا کے دیکھیے ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے. رپورٹر خبر دینے والے, اب یہ کئی قسم کے ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بھی اسی طرح کے کئی لوگ تھے, جن میں سے کچھ کا مقصد یہ تھا کہ ایک سربراہ کی حیثیت سے ان کے لیے ضروری ہے جاننا کون آیا کون نہیں آیا. کچھ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے دل کو اس بات کی تکلیف پہنچائے کہ وہ فلانا شخص جس کو آپ چاہتے تھے اچھا سمجھتے تھے وہ بھی نہیں آیا. اب لوگ ادھر سے آ رہے ہیں بول رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے, یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے, یا رسول اللہ وہ بھی شریک نہیں ہوئے. اسی اثنا میں ایک اور نام آیا جو اللہ کے رسول کو بہت عزیز تھا, حضرت ابو ذر غفاری, حضرت ابو دردہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابو ہریرہ, یہ اصحاب صفہ ہیں جو اللہ کے رسول کی آنکھیں تھے. اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ کہیں کا بادشاہ آ جائے, جب ان کے ساتھ ہوتے تو پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھتے, ان کا وہ مقام اور ان کی وہ حرمت تھی. حضرت ابو ذر نہیں ہے. اب بولنے والا کس انداز میں بولا اللہ بہتر جانے. اللہ کے رسول کو دکھ ہوا, تکلیف ہوئی اس بات سے کہ ابو ذر کیوں نہیں ہے, تعجب ہوا ان کو, ہر چیز میں پیش رہنے والے. یہ وہ ابو ذر ہے جس نے معاویہ کا گلا پکڑ لیا تھا. اب وہ ابو ذر حاضر نہیں ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں ابو ذر سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں, اس دنیا میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صادق الامین, اللہ کے رسول. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ابو ذر سے سچا کوئی نہیں, ابو ذر سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں. یہ ان کے مناقب ہیں حضرت ابو ذر کے. ان کے تعلق سے یہ کہا گیا یا رسول اللہ ابو ذر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اور بے چینی ہوئی کہ کیا ہوا ہوگا. یعنی کسی کے ماں باپ کسی کو چاہتا ہے, کسی کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے, توقع کر رہا ہے, اور وہ کسی وجہ سے نہیں آیا ہے, اس کے دل میں قسم کے کیا ہوا ہوگا, کیا اس کا مزاج خراب ہو گیا ہوگا, راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا ہوگا, کوئی تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہوگا, کیا وجہ ہوئی. اس کے نہیں آنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی, میرے حکم اللہ کے حکم کی نافرمانی ابو ذر تو نہیں کر سکتا. اب اللہ کے رسول کہتے تو پارشلٹی ہوتی, لوگوں کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ تم کو بولنے کی ضرورت نہیں, کہہ سکتے, قانون سب کے لیے ایک ہے. اللہ کے رسول بے چین اضطراب کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں, دور سے کسی ایک آدمی کا کالا سایہ نظر آیا اللہ کے رسول. اب دیکھیے آپ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کاش یہ ابو ذر ہو جائے. آئے 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 کیا محبت ہے بولیا, یہ ابو ذر ہو جائے. حضرت ابو ذر جب قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو اکیلا آیا ہے,
افسوس کہ دنیا سے بھی اکیلا جائے گا. یہ بشارت تھی اللہ کے رسول, تو اکیلا آیا ہے اور دنیا سے اکیلا جائے گا. ویسے اکیلے تو سبھی جاتے ہیں, کون کس کے ساتھ جاتا ہے, لیکن جب آپ کی وفات ہوگی تو وہ اکیلے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کی یہ بشارت. نتیجہ یہ ہوا کہ جب حضرت عثمان کے دور میں بدعت تعدالیہ بہت زیادہ بڑھ گئی, آل امیہ نے سارے اسلامی شیرازے کو غصب کر لیا تھا, اور معاویہ شام میں گورنر کی حیثیت سے عامل تھے, اس دور میں حضرت ابو ذر غفاری, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر شام میں جب تھے, اب ان کا تو مسئلہ رات دن کا جھگڑا ہو گیا. وہ آتے گلا پکڑ لیتے اور پوچھتے, اتنے زرین کپڑے کیسے پہنے ہیں تو نے, کتنے جوڑے ہیں تیرے پاس. وہ تو مجذوب خلندر آدمی تھے اپنی کیفیت میں, اس کو ان کو بادشاہ سے کیا لینا دینا تھا, گورنر سے کیا لینا دینا تھا, وہ کس سے ڈرتے تھے. وہ تنگ آ گئے معاویہ اور حضرت عثمان کو خط لکھا, اس سے میری جان چھڑاؤ. حضرت عثمان نے جواب میں خط لکھا کہ اگر وہ اطاعت کرے تو اچھا ہے, اگر حکومتی معاملات میں دخل دیتا ہے تو کسی پاگل اونٹ پر بٹھا کر اسے مدینے بھیج دو. مدینہ منورہ بھجوا دیا گیا اونٹ پر بٹھا کے, اور ان کے بیوی بچوں کو وہیں پر نظر بند کر دیا گیا, ان کے گھر والوں. اب وہ مدینے آ کے بھی کب خاموش بیٹھنے والے تھے, جو وہاں بول رہے تھے گورنر کے سامنے یا خلیفہ کے سامنے بولنا شروع کیا. حضرت عثمان نے آخر میں تنگا کے بولے کہ بھائی مقدمہ آیا, مروان نے جو ہے ان کے خلاف شکایت کی, مقدمہ آیا. جھوٹی حدیثیں گھڑ رہے تھے اس زمانے, وہ تو اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے. صحبت بھی صحبت, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے 80 سورتیں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ کر سیکھی ہیں. یہ ایسی صحبت تھی. مہدویت اگر آپ کو اس زمانے میں دیکھنا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں, تو یا تو اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے یا پھر یہ صحابہ کو دیکھیے. حضرت ابو ذر, عبداللہ ابن مسعود, ابو دردا, عمار ابن یاسر, یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے اس تخوے کو اختیار کیا. حضرت ابو ذر سے جو روایتیں ہیں آپ دیکھیے, جتنی بھی زہد و تخوے کی روایتیں ہیں اللہ کے رسول سے متعلق, وہ سب کی سب حضرت ابو ذر سے مروی ہیں. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ, حضرت ابو ذر یہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا احد پہاڑی دیکھ, تو وہ بڑا پہاڑ ہے احد کا پہاڑ. وہ دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے کچھ کام بولیں گے تو میں وہاں جاؤں گا, کام کر کے آؤں گا, جانے آنے میں کتنا وقت لگے گا, میں یہ سوچ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر اگر سونا دیتا ہے تو میں اسے دوسرے وقت تک کے لیے بچا کے نہیں رکھوں گا, سب کا سب خیرات کر دوں گا. اور اللہ کے رسول نے اللہ سے یہ دعا کی جس کو حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں, یہ فرمایا یا اللہ محمد اور آل محمد کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ نہ رکھ کہ جس سے اس کی روح اور جسم کا تعلق برقرار رہے. یہ اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت کے لیے, آل رسول کے لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی, میں جتنا مال عطا فرمایا یا اللہ کہ جس سے محض روح اور جسم کا تعلق باقی رہے, یعنی انسان صرف زندہ رہے. وہ آقا کے ساتھ رات دن رہ کے جس کی تربیت ہوئی تھی, یہ وہ صحابی تھے حضرت ابو ذر. وہ کردار انہوں نے دیکھا تھا, وہ راستہ انہوں نے دیکھا تھا. وہ مدینے میں مخالفت کرتے رہے, قسم قسم کی حدیثیں گھڑتے, اور وہ دیکھ کر خاموش کیسے بیٹھتے. پیاز بیچنے پہ حدیث ہے کہ فلانا قسم کی پیاز کھاؤ گے تو تم کو جنت ملے گی. کیسے کیسے وجہ حدیث کا جو فتنہ ہے, یعنی ہر چیز کو. اللہ کے رسول نے یہ کہا, ابا میں مسلمان اللہ کے رسول پہ جان چھنکنے والا, اللہ کے رسول نے جب کہا ہے تو وہ کرے گا. تو لوگوں کو منوانے کا راستہ کیا تھا, اللہ کے رسول نے کہا ہے
हदीस कर दो। मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा फितना वजह हदीस का फितना है, जिसकी वजह से आज तक उम्मत बटी हुई है। नतीजा यह हुआ हजरत अबू जर को जो है हजरत उस्मान ने शहर बदर कर दिया। है क्या फकीरी, जब उनको शहर बदर कर दिया तो माविया ने उधर से उनके बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया। अब क्या काम का है, न यहां है ना मदीने में, तो अब उससे हमको क्या है, उसकी बीवी बच्चों को रख के क्यों खिलाओ, छोड़ दियो। मदीने से कुछ फासले पे एक मुकाम पे बाकी की जिंदगी उन्होंने गुजारी। हुक्म यह था कि कोई उसको छोड़ने भी नहीं जाना है। ये वो साहब ये जो अल्लाह के रसूल की आंखों के तारे थे ये, और उनके ताल्लुक से ये हुक्म जारी हो गया कि कोई जो है इसको छोड़ने भी नहीं जाना। अब वो किसी कदर जो है खलीफा वक्त की नाफरमानी नहीं कर सकते थे, उसके बावजूद हजरत अली जो है शहर के बाहर तक ले जाके उनको छोड़ दिया। और हुस्ने इत्तेफाक ये है हजरत अबू जर गिफारी के साथ कि जब अल्लाह के रसूल की तबलीग शुरू हुई मक्के से, तो ये अपने कबीले में जब थे तो इनको खबर मिली, तो उन्होंने पहले अपने भाई को भेजा मालूमात के लिए, फिर वो खुद मक्का मुकर्रमा पहुंचे। तो अब वो पूछते अगर किसी को, तो उसको उनको इस बात का अंदेशा था कि भाई कुरैश उनके दुश्मन है, अगर मैं मोहम्मद के बारे में पूछूंगा तो मुझ पर कहीं हमलावर ना हो जाए। तो वहां पर बैठे हुए थे, इत्तेफाक ये हुआ कि हजरत अली से उनकी मुलाकात हो गई। मुसाफिर है इस ख्याल से हजरत अली ने क्यों आए हैं, क्या काम है, ये कुछ नहीं पूछा, उनको अपने घर ले गए और 3 दिन उनकी मेहमानी की। 3 दिन में जब हजरत अबू जर गिफारी को इस बात का अंदाजा हो गया कि ये शरीफ आदमी है, इससे बात की जा सकती है, तब उन्होंने अल्लाह के रसूल के बारे में दरियाफ्त किया, तो हजरत अली उनको लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुई। उनके साथ इत्तेफाक ये हुआ कि मुसलमानों के बीच उनको पहली मर्तबा लेके आने वाले भी हजरत अली थे। और आप हजरत अली के दिल पे क्या बोझ था होगा, इस बात का अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के बीच से बाहर ले जाके छोड़ने वाले भी उनको हजरत अली थे। मदीने की सरहदों तक ले जाकर उनको छोड़ा, मदीने से कुछ फासले पर मक्के के रास्ते में जहां से हुज्जाज जाते आते हैं वहां पर उन्होंने जो है खियाम किया, अपना आखिरी वक्त गुजारा। 80-90 साल की उम्र में ज़ईफ़ुल उम्र इंसान, मियां बीवी अकेले तने तनहा फाखों में मौत हुई उनकी। उनकी बीवी ने उनसे सवाल किया कि अगर आपको कुछ हो जाए तो मैं अकेली औरत आपको गुस्ल कैसे दूंगी, आपको कफन कैसे पहनाऊंगी और आपको दफनाऊंगी कैसे। उन्होंने कहा अगर ऐसे वक्त आ जाए तो तुम ये काम करना कि मेरी मैयत रास्ते तक ले जाकर वहां पर छोड़ देना, कोई आएगा और मेरी मैयत करेगा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जब उनका विसाल हुआ उनकी अहलिया उनको ले जाती है उम्मेजर ले जाके जो है वो रास्ते पर उनको छोड़ रख देती है मैयत, और एक काफिला वहां से गुजरता है और वो काफिला रुकता है और वो साहब सवाल करते हैं कि ये कौन है। तो उनकी अहलिया फरमाती है ये अबू जर है, उनकी चीख निकल जाती है। वो कौन थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। हाय हाय हाय, एक फकीर की मैयत को अल्लाह ने दूसरे फकीर से करवाया, एक फकीर की मैयत दूसरे फकीर ने की, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने उनकी तदफीन की बात है। तो गर्ज अल्लाह के रसूल को इतना अजीज जो सहाबी थे उनके साथ मुसलमानों ने यह सुलूक किया। अब अल्लाह तबारक व तआला जो नहीं आए हैं उनके ताल्लुक से यह फरमा रहा है, देखिए आगे 47वीं आयत में, वलौ अरादुल खुरूज लअअद्दु लहु उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसबतहुम वकील उदु मअल काइदीन। और अगर वो निकलने का इरादा करते तो इसके लिए जरूर तैयार करते कुछ सामान, अगर इनकी नियत में जो आ रहे पूछ रहे जा रहे आ रहे पूछ रहे जा रहे, इनकी नियत ही नहीं है, अगर इनकी नियत में होता तो कुछ तैयारी भी करते। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसबतहुम वकील उदु मअल काइदीन, और उनको उनका आना या उनका साथ होना अल्लाह ने रोक दिया और उनसे यह कह दिया गया कि जो बैठे हैं तुम उनके साथ बैठे रहो। लौ खरजू फीकुम
मा जादू कुम इल्ला खबाला, अगर ये आ भी जाते तुम्हारे साथ, अगर ये लोग तुम्हारे साथ आ भी जाते तो ये सिवाय तुम्हारी परेशानियां बढ़ाने के और कुछ नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इतनी वजाहत कर रहा है। वला औजाउ खिलालकुम यबगुनकुमुल फितना, और तुम्हारे दरमियान अगर आ भी जाते तो तुम्हारी परेशानियां बढ़ाते और तुम्हारे आपस में तुम्हारे भी खिलालकुम तुम सबके बीच में रहकर ये फितना फितने डालते, परेशान करते तुम लोग, तुमको अगर आ जाते भी तो साथ। वफीकुम समाउना लहुम, देखिए आप, वाह वाह वा, अल्लाह की हिकमत देखिए, उनमें से दुश्मन के लिए सुनने वाले भी मौजूद हैं, यानी दुश्मन के मुखबर भी मौजूद हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। अब यहां पर ये सिलसिला यहां पर रोक देते हैं आयत की तिलावत का। आपको वाक़े के ताल्लुक से जो अहम बातें मालूम होना था, कुछ हालात का आपको उसका अंदाजा हो गया। बात यह थी कि जो मुनाफिकीन थे, ये मुनाफिकीन एक बाज़ाब्ता प्लान के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और नई नई स्कीम्स लाकर आपको जो है सुनाते। जब ये हालात इन लोगों ने देखा तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुनाफिकीन का ये था कि जमा कहाँ हो और कोई तदबीर कैसे करे, कॉन्स्पिरेसी कैसे करे, तो उनको एक सेंटर की जरूरत थी। और सूरह तौबा ही में अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो है इसकी तफसील बयान फरमा दी है। हाँ, तो ये लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अर्ज की या रसूलल्लाह जो बीमार लोग हैं मस्जिद तक नहीं आ सकते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मस्जिद नबवी के करीब में एक और मस्जिद की तामीर हम कर देते हैं, जहाँ पे ये बीमार लोग जो कमजोर लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं वो बैठ के इबादत कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ताल्लुक से फरमा रहा है वल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रं व तफरीकन बैनल मुमिनीन, ये जो है ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एक मस्जिद बनाई ताकि आपको नुकसान पहुंचा सके। व तफरीकन बैनल मुमिनीन, और मोमिनों के बीच में तफरका डालना चाहा इन लोगों ने। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे तबूक से वापस हुए तो आपने सबसे पहला काम ये करवाया कि वो मस्जिद ज़रार को जो है आपने आग लगवाई और वो मस्जिद ज़रार को मुनहदिम कर किया गया। और ये इस कदर शदीद मुनाफिकत पे आमदा थे, अब ये सोच रहे थे कि अब जा रहे हैं तबूक के लिए, हवा पे हरकल 1.5-2 लाख की फौज लेके खड़ा होगा, अब बहुत से बहुत ये जमात 30,000 कर सके हैं, इनमें से कोई वापस आ भी नहीं सकता, जब इनकी हार हो जाएगी और पलट के भागेंगे मोहम्मद बच भी जाएंगे तो इनके साथ हमारे लोग होंगे और उनको कतल करेंगे नौजुबिल्ला। इतनी दूर की प्लानिंग ये लोग करे हुए थे। चुनांचे हुआ ये है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तबूक पहुंचे, तबूक वो मकाम था जो शाम और मदीने के बीचों बीच था, मदीने से कमोबेश 750 किलोमीटर का फासला है तबूक का, तो इलाके में जब पहुंचे तो ये तो सब भाग गए। कुछ रिवायात ये कहती है कि भाग गए, कुछ रिवायात ये कहती है कि वो इत्तला ही गलत थी, बहरहाल जंग नहीं हुई, वहां गए जंग नहीं हुई। अल्लाह के रसूल 20 दिन उस मकाम पर रुके रहे, अतराफ व अकनाफ के कबाइल से आपने मुआहदे किए, लोगों से ताल्लुकात कायम किए, और वो लोग जो ये कहते पिटते थे कि हमने मुसलमानों का खासिद मार दिया तो फिर उन्होंने कुमक भेजी तो हमने वो भी खत्म कर दिया और मुसलमान पलट के हमारे से कोई मुआखजा नहीं ले सकते और हमसे कोई बदला नहीं ले सकते, ये जो कहते पिटते थे अल्लाह के रसूल ने वहां जाकर रहकर 20 दिन क़याम करके इलाके में सबसे मुआहदे करके ये बात कायम कर दी कि मिन हैसुल कौम, आज खैसर और किसरा की कौमों के मुकाबले में मुसलमान खड़े हुए हैं, मुसलमान उनसे कम नहीं है, उनके मुकाबले में हम खड़े हुए हैं। ये शर्फ, ये एजाज और ये शान अल्लाह ने मुसलमानों को अपने रसूल के सदक़े से मरहमत फरमा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ लेके आए, लेकिन रास्ते में एक पड़ाव पर रात के वक्त 14 मुनाफिकीन थे,
वो 14 लोग थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला कत्ल कर देना चाहा और आप पर हमलावर हो गए। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान और हजरत यासिर इब्ने अम्मार ये साहबा ने बड़ी जाफिशानी के साथ मुकाबला किया और वो सबको जो है जेर कर दिया और वो भाग निकले। अब वो चेहरों पे जो है नकाब लगाए हुए थे ताकि पहचाने ना जाए, रात का वक्त, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल को वाकिफ करवा दिया कि वो कौन थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बता दिया कि वो 14 नाम कौन से है और वो आखिर तक ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने मुझे अपना राज दिया है, चुनांचे इसी बिना पर उन्हें राजदार रसूल कहते हैं, उनको राजदार अल्लाह के रसूल ने वो 14 नाम बता दिए थे कौन कौन मुनाफिक है मुसलमानों के बीच। बहरहाल ये एक बड़ा अहम बाब था 9वीं हिजरी का, जिसको आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफी है, बड़ा तफसीली हुआ क्योंकि आयात से इस्तदलाल करना था तो इस वजह से तफसीली लेक्चर हुआ। तो इंशाल्लाह आगे की बात आगे होती है अगले हफ्ते में। आज के लिए इतना काफी है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।